नया चैप्टर हरेश अग्रवाल से महत्तम समापवर्तक एवं लघुतम समापवर्तक शुरू हो रहा है। तो इसमें पहले थ्योरी बतलाएंगे महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, इसके बाद लघुतम समापवर्तक किसे कहते हैं, थ्योरी बतला देने के बाद हिसाब इजी हो जाता है। तो इससे पहले एक बात को समझना है जो पहले भी बतला दिए हैं, गुणनखंड एवं गुणज किसको कहते हैं। नहीं है फिर भी कोई खास थ्योरी नहीं रहने के बावजूद इसका थ्योरी भी छोटा है। अब देखो गुणनखंड एवं गुणज किसको कहते हैं, तो गुणनखंड के बारे में पहले भी बतला चुके हैं, अगर ए बी को पूर्ण रूप से विभक्त करता है, यानी ए बी को पूर्ण रूप से विभक्त करता है यानी काटता है, तो ए को बी का गुणनखंड एवं बी को ए का गुणज कहते हैं। ए के स्थान पर मान लो ए बराबर मान लेते हैं 3, अब बी बराबर मान लेते हैं 18। तो अब ध्यान से देखो ए बी को, अगर ए बी को, ए बी को 3, 18 को पूर्ण रूप से काट रहा है, तो अगर ए बी को पूर्ण रूप से काटता है तो ए को बी का गुणनखंड कहेंगे। 3, 18 को दी गई संख्या, अगर किसी संख्या को पूर्ण रूप से काटे तो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से जिस संख्या को काटती है उस संख्या का इसका गुणनखंड, इसे गुणनखंड कहेंगे। अगर ए बी को पूर्ण रूप से काट दे तो ए बी का गुणनखंड कहलाएगा। 3, 18 को पूर्ण रूप से काट देता है तो 3, 18 का गुणनखंड कहलाएगा, तथा बी ए का गुणज कहलाएगा। अगर 3, 18 का गुणनखंड कहलाएगा तो 18, 3 का गुणज कहलाएगा। यहाँ 3, 18 का गुणनखंड है, बोलो तो 3, 18 का गुणनखंड है, तो 18 क्या हुआ 3 का, 18, 3 का गुणज है। समझी बात, जैसे ए और बी है, ये दादा है ये पोता है, कैसे इसको बोलेंगे, ए बी का पोता है तो कहेंगे बी ए का दादा है, ए बी को पूर्ण रूप से काटता है तो ए बी का गुणनखंड कहलाएगा और बी क्या कहलाएगा, ए का गुणज। ठीक है, तो इसको समझ गया ना। चलो देखो महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, तो दो शब्द है महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इंग्लिश में भी उसका हर अर्थ समझो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड, समझा। और गुणनखंड की परिभाषा नहीं बतलाना होगा, किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करता है ना, तो सबसे बड़ा गुणनखंड जो कॉमन हो, अब इसको परिभाषा के अनुसार महत्तम मतलब सबसे बड़ा, सुंदरतम सबसे सुंदर, बृहत्तम तम लगा हो तो बोलते हैं ना, इसको सबसे अधिक लगा करके बोलेंगे, तो महत्तम सबसे बड़ा। समापवर्तक, इसका भी संधि विच्छेद होता है, सम जोर अपवर्तक, अपवर्तक कहते हैं गुणनखंड को ही, समझा जी। सम मतलब समान, वैसे परिभाषा इसका बहुत अच्छा है, परिभाषा को ही ठीक से समझ लो तो महत्तम समापवर्तक कभी जीवन में फिर भूलोगे नहीं। दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। अब ध्यान से देखो तो अगर हम लोग 40 और 60 ले तो
दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब सबसे बड़ा समापवर्तक, अपवर्तक मतलब गुणनखंड, सम मतलब समान, सबसे बड़ा समान गुणनखंड, तो ऐसे कन्फ्यूजन होगा, तो महत्तम मतलब सबसे बड़ा, दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा समापवर्तक यानी सबसे बड़ा गुणनखंड समझो, तो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जैसे ये दो संख्या दिया हुआ है, तीन संख्या दिया हुआ है, चार संख्या दिया हुआ है, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं को काट रहा है। तो पहले देखो, ये दोनों संख्याओं को एक भी काट रहा है, ध्यान से देखो तो काट रहा है, दो से भी दोनों काट रहा है, तीन से नहीं कटेगा, फिर चार से दोनों काट रहा है, दस चौका चालीस, पंद्रह चौका साठ, काट रहा है ना, पाँच से काटोगे तो पाँच अठे चालीस, या पाँच गुने बारह साठ, बारह पंचे साठ, इसके आगे छः से नहीं कटेगा, सात से नहीं, आठ से नहीं, नौ से नहीं, दस से कटेगा, कटेगा ना, दस चौका चालीस, दस छक्के साठ, इसके आगे सीधे 20 से कटेगा, 20 के आगे कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काटेगा, ध्यान दो, महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का, अब इसको देखो परिभाषा पर ध्यान दो, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जैसे 40 और 60 दो संख्याएं दी हुई है, इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो इसका महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को संपूर्ण रूप से विभाजित करती है, समझ रहा है, तो एक भी दोनों को संपूर्ण रूप से विभाजित करता है, दो भी दोनों को, 20 दूनी 40, 30 दूनी 60, दो भी संपूर्ण रूप से विभाजित करता है, चार भी पूर्ण रूप से विभाजित करता है, दस चौका चालीस, पंद्रह चौका साठ, पांच भी, पांच अठे चालीस, और बारह पंचे साठ, पांच भी दोनों को पूर्ण रूप से काटता है, दस चौका चालीस, दस छक्के साठ, दस भी काटता है पूर्ण रूप से, और बीस भी काटता है पूर्ण रूप से, लेकिन तुम लोग बतलाओ तो बीस से आगे कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रहा है पूर्ण रूप से, पता चलेगा एक भी नहीं है, खोजो, 40 को काटने वाला 20 से आगे 40 ही होगा, लेकिन 40 40 को काटेगा, 40 60 को नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, पता चलेगा सबसे छोटी संख्या एक है और सबसे बड़ी संख्या 20 है, एक तो सबको काटता है, तो एक की बात ही हटाओ, यूनिवर्सल है, एक से संपूर्ण रूप से भागा सब संख्या में लगता है, तो एक को छोड़ करके, ये तो सब में कॉमन है गुणनखंड के रूप में, एक को छोड़ करके, एक दो तीन चार पाँच, पांच संख्याएं ऐसी हैं जो दोनों अंकों को पूर्ण रूप से काटती है, तो परिभाषा के अनुसार दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, इन ये सारी संख्याएं, पांचों संख्याएं 40 और 60 को विभाजित तो कर रहा है, लेकिन इसमें 20 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 40 एवं 60 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, इसीलिए 20 40 और 60 का महत्तम समापवर्तक होगा, एच सी एफ होगा, 30 40 को नहीं ना काट रहा है, समझ तो 30 क्यों बोल रहा है, समझा इसको, देखो तो कितना क्लियर परिभाषा है, तो अब निकाल करके देखो, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, 40 और 60 को विभाजित करने वाली तो देखो ना पांच संख्याएं हैं ना, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 20 है,
जो दोनों को विभाजित करता है, इसीलिए सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे वही सबसे बड़ी संख्या दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। आप ऐसे भी निकाल लो, 60 में 40 से भागा दो तो बचपन में जो सीखा है 40 से कहीं 40 होगा, शेष 20 बचा, फिर 40 आगे आ जाएगा। महत्तम समापवर्तक में यही ना होता है, बी दूनी 40 शेष 0 बायां वाला आंसर होता है, तो 20 हुआ आंसर। तो परिभाषा को समझा, तो उदाहरण में लिखेंगे जैसे 40 एवं 60 का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको संक्षेप में अब बोलेंगे HCF, समझा ना। 40 एवं 60 का HCF बराबर वह सबसे 40 एवं 60 का HCF महत्तम समापवर्तक बराबर वह सबसे बड़ी संख्या जो 40 एवं 60 को पूर्ण रूप से विभाजित करे, तो सबसे बड़ी संख्या में 20 है तो बराबर 20 आंसर। समझ गया इसका महत्तम समावर्तक का परिभाषा। इसी तरह ये पहला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण लो, मान लो 10 इसके बाद ले लो 15 एवं 20 का महत्तम समापवर्तक, तो वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करे वही सबसे बड़ी संख्या दी गई संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो 10 15 20 तीनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा बोलो तो, 1 दूनी 2 पंचे 10 होगा। और ये बतलाए हैं किसी भी संख्या को उसका गुणनखंड पूर्ण रूप से काटता है, ये तो कई बार बतला दिए हैं। 10 का गुणनखंड होगा ना 1 दूनी 2 पंचे 10। इसके बाद आ जाओ 15 का गुणनखंड करो तो 1 या 3 पंचे 15। फिर 20 का गुणनखंड करो तो 1 दूनी 2 दूनी 4 पंचे 20। अब देखो तो 10 15 20 का को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 10 को 1 तो काटेगा ही, 15 को 1 भी, 20 को 1 तो सबको काटेगा है, इसी बात तो इसमें से छांट लो 1, यानी 10 और 15 20 को काटने वाला पहला हो गया 1। दूसरा 2 10 को काटता है, 2 20 को काटता है, लेकिन 2 15 को नहीं काटता है, ये देखो 5 तीनों में है, 5 तीनों को काट रहा है, तो एक के बाद 5 हो गया। तो 10 15 एवं 20 का HCF वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो तीनों को पूर्ण रूप से काटेगा। तो तीनों को पूर्ण रूप से काटने वाली दो ही संख्या है, पहला 1 दूसरा 5, तो इसमें सबसे बड़ी 5 है, तो इसका मतलब ये तीनों का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 5। समझा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 5 होगा। क्यों होगा कारण समझा ना, का HCF 5। तो अपने से पकड़ लिया है बात को, चलो 16 24 और 40 का HCF वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काटे, तो ये कैसे पता चलेगा, तो हमेशा याद रखना है किसी भी संख्या को उसका गुणनखंड ही पूर्ण रूप से काटेगा। गुणनखंड मतलब गुना के रूप में तोड़ देंगे तो पूरा पूरी काटता है, ये सब पीछे में बतलाए हैं। तो 16 को कौन कौन काटेगा, तो देखो 16 को काटने वाला होगा 1 से कट, फिर 2 2 से पूरा पूरी कटेगा, फिर 4 8 और 16 इतना से कटेगा, 24 को पूर्ण रूप से काटने वाला 1 2 3 4 6 8 12 24 फिर 40 को 1 2 4 5 5 8 40 5
आठ दस बीस इकतालीस अपने आप। तो तीनों को सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों को पूर्ण रूप से काटेगा, वो भी सबसे बड़ी। तो तीनों को काटने वाला देखो एक तीनों में है, यानी एक तीनों को काट रहा है। इसके बाद देखो दो सोलह को काट रहा है, दो चौबीस को काट रहा है, दो चालीस को काट रहा है, एक के बाद दो हो गया है ना। तब चार, हाँ चौबीस को चार काट रहा है, सोलह को चार काट रहा है, चालीस को चार काट रहा है, तो ये भी हो गया। एक जैसे वाला को हम घेर रहे हैं, पांच काटता है सोलह को नहीं काटता है, आठ है इसमें, इसमें भी आठ है, इसमें भी आठ है, तो एक ठो हो गया आठ। आठ के बाद सोलह नहीं है, नहीं। अब निकालो सोलह चौबीस चालीस, सोलह चौबीस चालीस। तीनों को काटने वाला कौन है? पहला है एक, दूसरा हो गया दो, तीसरा हो गया चार, और अंतिम हो गया आठ। देखो अब सोचो, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काटता है। 16 को, 24 को और 40 को काटने वाला एक दो तीन चार, चार संख्या है। तो चार में सबसे बड़ी संख्या आठ है, इसीलिए आठ दी गई संख्या यानी तीनों का महत्तम समापवर्तक होगा। तो कैसे होगा, वो गुणनखंड निकाल करके पता चल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आठ। अलग से निकालोगे बचपन वाला विधि से तो पर भी आठ आएगा, आठ हो गया। तो इस तरह जो है महत्तम समापवर्तक की परिभाषा समाप्त होती है। गुणनखंड गुणज समझा, तो पार्ट टू में लघुतम समापवर्तक की परिभाषा बतलाएंगे।